हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर पे डिबेंचर्स को। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? व्हेन ए कंपनी वांट्स टू रेज मोर फंड्स विदाउट इंक्रीजिंग इट्स शेयर कैपिटल इन इट कैन इशू डिबेंचर्स। देखो, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप सारा पैसा शेयर से रेज नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, जब अब शेयर्स में हमारा जो ऑनर्स होते हैं हमें वापस नहीं करना होता, शेयर्स के बहुत सारे फायदे हैं, तो हम सारा पैसा शेयर से क्यों नहीं रेस करते हैं, हम डिबेंचर से पैसा क्यों रेस करते हैं? इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपको मिलेगा क्लास 12th के फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में। मैं यहां डिस्कस कर सकता हूं, बट इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिबेंचर्स होते क्या हैं और इसके फायदे क्या होते हैं। कुछ फायदे अभी आपको यहां भी पता चल जाएंगे। डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग इट्स डेट। यानी कंपनी के लिए कर्जा है, कंपनी एक डॉक्यूमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसमें कहती है कि ये कर्जा है हमारे ऊपर, यानी हमें आपको वापस करना है, हम इसको डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बहुत बार कंपनी डिबेंचर से भी पैसा रेस करती है, उसके पीछे कई कारण है। अभी बता तो एक कारण तो अभी बताऊंगा आपको मैं। दोज हू इन्वेस्ट मनी इन डिबेंचर्स आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कहा जाता है शेयर होल्डर, अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। भैया कंपनी को इनको पैसा वापस करना होता है, इसलिए हम इनको क्रेडिटर्स भी कहते हैं। इट इज रीपेड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड एंड हैज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो चीजें हैं, मान लीजिए डिबेंचर 5 साल के लिए इशू किए गए तो 5 साल बाद इनको वापस पैसा देना होगा, 10 साल के लिए इशू किए गए तो 10 साल बाद इनको पैसा वापस करना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। मान लीजिए हमने 9% डिबेंचर्स इशू किए, 9% डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 9% होगा। अगर मैंने कहा कि 11% डिबेंचर इशू किए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिबेंचर्स हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 11%। ये आपको अकाउंट्स में बहुत काम आएगा। हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है? तो यानी अगर 7% डिबेंचर लिखा हुआ है तो मतलब डिबेंचर्स कैरिंग 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और ये कंपनी 6 मंथली भी पे कर सकती है और एनुअली भी पे कर सकती है। ये डिपेंड करेगा टर्म्स ऑफ इश्यू पर। जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तब ये टर्म्स क्लियर की जाती हैं, ठीक है? और जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं जिसमें लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर डीड। इसमें सारी टर्म्स कंडीशंस लिखी जाती हैं कि हम डिबेंचर्स को कब रीपे करेंगे और इस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कैसे पे किया जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। अब बात करते हैं इसका फायदा क्या होता है, डिबेंचर्स को इशू क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात, सुटेबल फॉर सेफ इन्वेस्टर्स। डिबेंचर्स आर प्रेफर्ड बाय दोस इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। भैया अगर आप ऐसे पर्सन हो जो रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया फिक्स्ड इनकम आती रहे, कोई टेंशन ना हो, भैया हमें पता है फिक्स इतना इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, तो डिबेंचर आपके लिए बहुत सुटेबल है। इसलिए कंपनी ऐसे फाइनेंसर को, ऐसे इन्वेस्टर्स को ढूंढती है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए डिबेंचर्स प्रेफरेबल होता है। नो लॉस ऑफ कंट्रोल। अब यहां पर कंपनी को भी एक फायदा है। क्या फायदा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स रिमेन अनइफेक्टेड एंड डिबेंचर्स होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। बात समझ आई? आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगे शेयर्स के बारे में तो आपको समझ आ गया होगा कि शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, जबकि यहां पर डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। इसका मतलब शेयर होल्डर्स का जो आप कह सकते हो इंटरेस्ट कह सकते हो उनका कंट्रोल है, वो डाइल्यूट नहीं होता, बढ़ता नहीं है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते और इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। नो कंट्रोल। तीसरा फायदा, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स सेविंग। देखा ये पॉइंट मैंने आपसे कहा था ना, क्यों डिबेंचर्स हम इशू करते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि इस पे इनकम टैक्स की सेविंग होती है। ये क्या बात है सर, अच्छा ये बात, इसलिए चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। मान लीजिए हम 9% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो 9% हम इंटरेस्ट देंगे ना उस पर इनकम टैक्स बचेगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए के डिबेंचर आपने इशू किए तो 1 लाख का 9% कितना हो गया, जो आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, इंटरेस्ट आप एनुअली पे करोगे 9,000 रुपए, तो ये 9,000 रुपए आपका
एक्सपेंस माना जाएगा बिजनेस में, और इस पर इनकम टैक्स की सेविंग होगी। मान लो आप इनकम टैक्स पे करते हो 30% के हिसाब से, तो 9,000 रुपये का 30% आपका इनकम टैक्स बच गया। क्या बात है, अरे यानी ये 2,700 रुपये आपकी इनकम हो गई। यानी कायदे से आपने जब 9,000 रुपये पे किए एज एन इंटरेस्ट, तो 2,700 रुपये आपके बच गए। यानी कि इफेक्टिवली अगर आप देखा जाए, इफेक्टिवली देखा जाए तो आपका खर्चा पड़ा कितना, 6,300। इफेक्टिवली आपने जो इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर होल्डर्स को, वो कितना पड़ा, 6,300, क्योंकि 9,000 पे करते ही आपके 2,700 रुपये एज ए टैक्स बच गए, है ना। तो इसलिए चीप पड़ता है, कारण समझ आ गया कि इसको चीप सोर्स क्यों बोलते हैं, ये सस्ता पड़ता है। सामने वाले को लगता है मुझे 9% मिल गया, और आपको पता है कि आपको जैसे ही आप इस खर्चे को करोगे, जो आपको एक्चुअल में करना था उस पर आपको टैक्स सेविंग हो गई। सो डिबेंचर्स आर लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, देयर फोर देर इज ए टैक्स सेविंग। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स की वीडियो देखी है तो आपने वहां पर डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, प्रेफरेंस शेयर्स को जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता, उस पे इनकम टैक्स की कोई सेविंग नहीं होती। इसलिए कंपनी प्रेफर करती है कि हम डिबेंचर से पैसा रेस करें, क्योंकि यहां पर हमारे को इनकम टैक्स की सेविंग भी हो जाती है। गॉट इट, हाँ जी। और फॉर ए कंपनी इजी अरेंजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी ये सबसे आसान तरीका होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स को रेस करने का, और ये बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए, से फॉर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स आप पैसा रेस कर सकते हो। तो भैया ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, डिबेंचर होल्डर्स ये नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। हाँ, ये अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, बोलते जी इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए, मतलब भैया प्रॉफिट हो लॉस हो, आप एक्सपेंशन कर रहे हो, आप डूब रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर होल्डर्स अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, हाँ बोलते इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए। गॉट इट, जी हाँ। सो एन फॉर नो लॉस ऑफ कंट्रोल, ओ स्टैंड फॉर ऑफर टैक्स सेविंग, एस फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट, एंड ई स्टैंड फॉर इजी अरेंजमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इजी अरेंजमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड, बात समझ आ गई भाई। कंट्रोल लॉस नहीं होता, टैक्स सेविंग की ऑफर आ जाती है, ऑफर मतलब टैक्स सेविंग हो जाती है, इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, और लॉन्गर पीरियड के लिए फंड इजिली अरेंज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। अब इसके नुकसान क्या है बेटा, फिक्स बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी के लिए फिक्स बर्डन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि भैया प्रॉफिट हो ना हो तो भैया डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, भैया जब टाइम आएगा तो उनको पैसा भी तो वापस करना है। सो डिबेंचर्स पुट ए परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे इंटरेस्ट एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। देर इज ए ग्रेटर रिस्क व्हेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी फ्लक्चुएट, खासकर रिस्क तब होता है जब प्रॉफिट कम हो जाता है, तब कंपनी को बड़ी दिक्कत होती है इस केस के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट तो पे करना ही करना पड़ेगा, और डिबेंचर होल्डर्स अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। दूसरा पॉइंट आता है रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, कि आपको पैसा वापस भी करना पड़ेगा, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, एक दिन तो पैसा वापस करना ही है ना, तो उसका अरेंजमेंट भी अभी से करके चलना पड़ेगा भाई। रिडीमेबल का मतलब होता है रिडीम, रिडम्पशन, पेमेंट करना, वापसी पेमेंट करना। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं उसके लिए आपको प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा हर साल। मान लीजिए आज पैसा आता तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 10 साल बाद इकट्ठा पैसा कहां से लाओगे वापस करते हुए, क्योंकि वो सारा पैसा तो बिजनेस में लग चुका होगा, इसलिए हर साल आपको थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करते हैं ना, कि भैया जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तब तो इकट्ठा पैसा लगता है उसके अंदर में। कुछ पेरेंट्स शादी के लिए बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, उनको पता है शादी में खर्चा बहुत होता है, एक साथ पैसा इकट्ठा लगेगा, तो प्रोविजन बना के चलना पड़ता है। तो यहां पर भी रिपेमेंट ऑब्लिगेशन आती है। फिर आता है चार्ज ऑन एसेट्स, कंपनी हैज टू मोर्टगेज इट्स एसेट्स टू इशू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इशू करने के लिए बहुत बार कंपनी जो है अपनी एसेट्स को मोर्टगेज कर देती है, गिरवी रख देती है डिबेंचर होल्डर्स के पास में। तो भैया चार्ज ऑन एसेट्स भी होता है, ये भी नुकसान है एक तरीके से, प्रेफरेंस में नहीं होता, इक्विटी में नहीं होता। इम्पैक्ट ऑन क्रेडिबिलिटी, भैया एक बार आपने डिबेंचर से पैसा रेस कर लिया तो आपकी जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रेडिट कैपेसिटी कम हो जाती है,
क्योंकि जब कोई और आपको लोन देगा, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, चाहे वो कोई और भी तरीका है लोन का, तो देखेंगे कि आपके ऊपर तो पहले ही कर्ज है, एज ए कंपनी आपने डिबेंचर से पहले पैसा रेस कर रखा है, तो आपकी कैपेसिटी होती है जो लोन लेने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, ये इसका डिमेरिट है। ठीक है, अब इसका गोल्डन वर्ड याद कर लें, गोल्डन वर्ड, हाँ जी, फिक्स्ड बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, इंपैक्ट ऑन क्रेडिबिलिटी, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। जी नोट कर लीजिए, फिक्स्ड बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, इंपैक्ट ऑन क्रेडिबिलिटी, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, और इसका डीमेरिट क्या है, FIR। भैया डिबेंचर होल्डर्स की जो नोज होती है ना, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते वो, और अगर आपने मक्खी बैठने दी तो वो FIR करा देंगे तुम्हारी, कि भैया देखो समय से पैसा हमें नहीं मिला। गॉट इट? अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर शेयर समझ लिया, प्रेफरेंस शेयर समझ लिया, डिबेंचर समझ लिया, अब सर डिफरेंस जो है ना, एक बार वो भी क्लियर हो जाए तो मजा आ जाएगा, शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में क्या फर्क होता है। तो चलो उसको भी क्लियर कर लेते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में क्या फर्क होता है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से इसको लर्न कर पाएंगे। जरा ध्यान से पॉइंट नोट कीजिएगा मेरे साथ में, बेटा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो, नोट्स जरूर बना लेना। हाँ जी चलिए, पहली बात आती है शेयर्स की, कहाँ गया, ये रहा, शेयर्स आर कॉल्ड ओन्ड कैपिटल, ओन्ड फंड्स, बोरोड फंड्स। आपको अगर इसकी पहली वीडियो अगर आपने इंट्रोडक्टरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि शेयर्स आर कॉल्ड ओन्ड फंड्स, डिबेंचर्स आर कॉल्ड बोरोड फंड्स। शेयर्स पर क्या मिलता है, डिविडेंड, और डिबेंचर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। रीपेमेंट की बात करें तो भैया जो डिबेंचर्स होते हैं दे आर रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेसिफाइड का मतलब क्या है कि भैया जितना टाइम मेंशन किया हुआ है, 5 साल 10 साल, तो उतने टाइम के बाद आपको वापस करना होगा। 10 साल के लिए इशू किया है तो 10 साल के बाद पैसा वापस करना होगा, 15 साल के लिए किया तो 15 साल के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा। और शेयर्स का पैसा, अमाउंट नॉट रीपेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भैया लाइफ टाइम ऑफ कंपनी शेयर्स का पैसा वापस नहीं किया जाता। वोटिंग राइट की बात करते हैं तो हाँ, शेयर होल्डर्स के पास पूरा वोटिंग राइट होता है, जबकि डिबेंचर्स के पास नो वोटिंग राइट, कोई वोट करने का राइट नहीं होता। डिस्काउंट, क्या हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का है तो क्या हम उसको 90 पर इशू कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट पर इशू करना, 100 रुपए की चीज 90 रुपए पर इशू करना। तो शेयर्स की बात करें, नहीं, आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को आप इशू कर सकते हो डिस्काउंट पर। ये भी कारण है जिससे आप ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हो, भाई 100 रुपए की चीज किसी को 90 में दे रहे हो तो भाई वो भागता हुआ आएगा ना, अरे भाई सस्ता मिल रहा है ले लो। तो इस तरीके से कंपनियां बहुत सारा पैसा यहां पर रेस कर सकती हैं। सिक्योरिटी की बात करते हैं, नॉट सिक्योर्ड एट एनी चार्ज बट दे आर सिक्योर्ड एंड कैरी ए चार्ज। तो भैया डिबेंचर होल्डर्स को सेफ माना जाता है, इक्विटी में तो कोई सेफ्टी है ही नहीं है, प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा। तो भैया आप क्लेम नहीं कर सकते, नहीं मुझे कुछ दे दो, आपकी किस्मत में जितना लिखा है उतना आपको मिलना ही मिलना है एज ए इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि आप वहां पर ऑनर्स हो। कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, मतलब आप शेयर्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट हाँ डिबेंचर्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है, इसको हम कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोलते हैं नॉर्मली, कन्वर्टिबल मतलब जिन डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बार फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए कंपनी ये ऐसा करके चलती है कि मान लो फ्यूचर में कोई ऐसी आपदा आ गई, कोई ऐसी कंडीशन आ गई जब आप उसको इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते हो, तो बहुत बार उनको कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है, उनसे पूछ करके कि भैया हम आपको शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, कल को प्रॉफिट होगा तो आप ले लेना। यानी कि हमने क्या किया, कर्जदाताओं को मालिक बना दिया फ्यूचर में, और ये ऐसा हो सकता है, और ये तब किया जाता है जब कंपनी को लगता है कि उनको पे नहीं कर सकती है, तो क्या करती है, उनको बोलते हैं भैया हम आपको पे नहीं कर पा रहे, आप एक काम करो हमारा मालिकाना हक ले लो, आप भी शेयर होल्डर बन जाओ। ठीक है, सो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अच्छा स्टेटस की बात करें तो शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, और यहां पर कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, यहां पर फिक्स इंटरेस्ट होता है जो पे किया जाता है, ये हमने आज इसी क्लास में डिस्कस भी किया। रिफंड की बात करें तो रिफंडेबल आफ्टर डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के बाद अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को पे किया जाता है, और डिबेंचर होल्डर्स की बात करें दे आर रिपेबल आफ्टर शेयर होल्डर्स ओनली। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके अकाउंट्स में भी बहुत काम आएगा, जो हम रिटर्न देते हैं शेयर्स को उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
और जो हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है हम इसको एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्सपेंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? द इंटरेस्ट पेड टू द डिबेंचर होल्डर इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। क्लियर? चलिए आज आपको डिबेंचर्स एम्पल क्लियर हो गया और डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच में आई होप डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले सोर्स ऑफ फाइनेंस को आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको गोल्डन वर्ड कैसा लगा और आपको वीडियो कैसे लगी। लिखते रहिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय।